हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ कश्यप और आपके चैनल माय लाइक वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक डेली अपडेट प्लेलिस्ट का वीडियो है और इसके अंदर हम ITI ट्रेड कारपेंटर्स थ्योरी के रिलेटिव क्वेश्चंस हम रेगुलरली एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेट एनी टू यूज ऑफ कारपेंटर वाइस। ठीक है, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कारपेंटर वाइस किसे कहते हैं। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि टू यूज बताना, यानी कि वाइस को किस लिए काम में लेते हैं, कोई दो उसके उदाहरण दो। तो पहला इसका उदाहरण है शेविंग, और दूसरा है प्लेनिंग, और तीसरा चीजल। ठीक है, प्लेनिंग यानी किसी भी लकड़ी को इस वाइस के, ये वाइस होती है, इसके अंदर फंसा के उसके ऊपर रंदा करना। ठीक है, तो ये हो गई प्लेनिंग। ठीक है, चीजलिंग की हो गई मतलब कि अगर आप इसमें कोई लकड़ी रख के या फिर किसी आरी वारी को दबा के उसको दांत भी साफ कर सकते हैं, तो वो गया शेविंग। और चीजलिंग, इसके अंदर चीजल को फंसा के उस पर धार भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको 10th क्वेश्चन, आप वापस इसको देख सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ। स्टेट एनी टू यूज ऑफ कारपेंटर वाइस, यानी कि कारपेंटर वाइस के कोई दो उपयोग बताने हैं, मैंने आपको तीन उपयोग बता दिए। ये इसका आंसर है शेविंग, प्लेनिंग और चीजलिंग। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो का क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। और इस वीडियो को अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता भी सकते हैं, मैं उसका वापस रिप्लाई भी कर दूंगा। अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ITI कारपेंटर के अंदर, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटिव भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर इससे रिलेटिव कोई भी क्वारी है, इन क्वेश्चन को छोड़ के आपको कोई भी डाउट है, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उसका भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करना ना भूलिए, इसको शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। और अब तक आपने मेरा चैनल पे और भी वीडियो देखे होंगे ITI एग्जाम पेपर, जिसमें हम रेगुलरली 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग योर चैनल माई लाइक वीडियोज़।